देखो भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुका है, पत्थर गिर गए, तो अब ये वन वे हो चुका है भाई। लंच का टाइम हो गया है, लंच करने आए, अब थोड़ा भूख लग रही है क्योंकि घूमने के लिए भी ताकत चाहिए, और जब तक ताकत नहीं आएगी तो घूमेंगे कैसे। तो भाई हमने मंगवा ली है थाली, थाली खाएंगे अब। मैगी कौन सी मंगवाई तू, नहीं तो बता दे। हाँ इतनी सारी मैगी, मैगी एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच टाइप की मैगी है। कौन सी मंगवाई, एग मैगी, चीज मैगी, मसाला मैगी, प्लेन मैगी। अच्छा तो भाई ये है थाली, रोटी, राजमा, मिक्स वेज, मक्खन आ गया और सैलेड आ गया। भूख लग रही है बहुत, खा लेते चलो जल्दी से। तो भाई ये आ गई इसकी चीज मैगी, है ना, चीज डाली ना, चीज मैगी, और अभी वो थाली खा रहा है। कैसा डिश है थाली का, थाली सही है, अच्छी है, अच्छी है थाली का। चलो तो वही खाना खा के आ गया मज़ा पूरा। और ये देखो यहाँ पे मिलता है ले स्प्रिंग वाटर, सारा खाना खा लिया और अब जाके पेट भर चुका है। घूमने के लिए तो चाहिए एनर्जी, और जब तक एनर्जी नहीं आएगी जब तक घूमना नहीं पाएगा। और मैगी कैसी लगी, बढ़िया। तो भाई ये है करू, और करू में हमने किया है लंच। लंच करने के बाद हम जा रहे हैं, हेमिस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट का और रास्ता पड़ेगा। करू तो ये है, करू ये एक छोटा सा टाउन है। करू तो भाई हेमिस मॉनेस्ट्री पहुंच गए, तो ज़्यादा धूल आ गई। ये है एमएस मॉनेस्ट्री भाई, सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं आ रहे, सिल्वेस्टर स्टैलोन भाई हमारे जो ड्राइवर है, मतलब भैया वो बिल्कुल सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं लगते हैं ना, इसको प्रे करने के लिए यूज़ होते हैं। आओ इसको घुमाए थोड़ा, देखो भारी बहुत है, भारी बहुत है। ओह ओह लद्दाखी डॉग्स, ये देखो ये ऐसे होते हैं, फर देखो भाई इनका, शक्ल दिख नहीं रही। देखो बोई एक और चाहिए तुझे, नहीं 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 अजीब होते हैं इनके फर, मोटे होते हैं ना तो ठंड की वजह से, जिससे कि इन्हें प्रोटेक्शन मिले। देखो आ रहा है, तो क्या लेके जाएगा आगरा, आगरा ले जाए इसे, इसको लेके जाएंगे, इसकी आगरा में इसकी हालत क्या होगी, गर्मी के मारे पागला जाएगा ये। तो ये है हेमिस मॉनेस्ट्री, ये रास्ता है, इसमें म्यूजियम का मॉनेस्ट्री है, दोनों है, इसमें म्यूजियम भी है और मॉनेस्ट्री भी है। और रास्ता ये पूरा वहाँ से है इसका, और जनी ऊपर बनी हुई है, वही वैसा ही लग रहा है ना जैसे रेजिडेंट इवल गेम था ना लास्ट मिशन में, पैलेस में आते थे, पैलेस में बिल्कुल वही लग रहा है। रेस्ट करना पड़ता है, ऊपर चढ़ के आया ना तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, एकदम से सांस फूल जाती है। इन मॉनेस्ट्रीज में चढ़ना बहुत पड़ता है बस, ये है, और वो भी ले जैसे एरिया में आप चढ़ाई करते हो ना तो पता चलता है कि चढ़ाई क्या होती है, इतनी चढ़ाई है नहीं जबकि अलग ही हो जाता है, तो रेस्ट कर करके जाना पड़ता है। और अंदर तो आए गए फाइनली, शूज उतारे गए, म्यूजियम के अंदर जाएंगे, और वो टेम्पल है तो उसको भी लेके आए हैं, ये खो गया था वही, चलो तुम खो गए थे, ये टिकट लाए अपने साथ और चलो चले म्यूजियम, शॉप है ये, शॉप में चलते आ जाओ, शॉप बनी हुई है अंदर, ये बुक्स रखी हुई है। तो भाई मॉनेस्ट्री के अंदर से होके आ चुके, और म्यूजियम था अंदर, फ़ोन अलाउड नहीं था, पहले मेरा फ़ोन लॉकर में रखवा लिया था, पर म्यूजियम में वहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, और नींद बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब साइलेंस था, म्यूज़िक बहुत अच्छा बज रहा था म्यूजियम के अंदर। और यहाँ पे है टेंपल, चलते हैं, इसमें भी वीडियोग्राफी करना मना है, बस ये सब देख लो आप, ये है आउटर इसका, ये टेंपल था और वो है म्यूजियम। म्यूजियम में तो नींद आ गई थी मुझे बहुत बढ़िया। शूज़ मत पहन अभी, अभी टेंपल जाना है टेंपल, ठीक है, हाँ आ जा। तो तुम्हें म्यूजियम में नींद आ गई थी, म्यूजियम में नींद आई अच्छी वाली, ये तो एक घंटा सो गया म्यूजियम के अंदर ही। म्यूजियम के अंदर इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, पता नहीं अजीब सा, जैसे तिब्बतन म्यूजिक होता है ना साइलेंस, तो वो ही हुआ है, टेंपल में भी हो लिए, म्यूजियम भी हो लिए, और मेन टेंपल था वो, और ये था बुद्ध टेंपल,
इसमें अभी रिचुअल्स प्रेयर्स चल रही है, दोनों में इधर वीडियो रिकॉर्ड करना मना है। और अब हम जाएंगे लेह पैलेस, ठीक है? आ जाओ जल्दी मैक्स भाई। क्या क्या खारदुंगला? इसका खारदुंगला जाने का बहुत मन है। जब पहुँचेगा ना, जब पता चलेगा इससे क्या होता है खारदुंगला। तू हट्टा कट्टा है, तुझे कुछ नहीं होता है? अच्छा, ऐसे कह रहे मैं हट्टा कट्टा बच्चा हूँ, कुछ नहीं होता है भाई। ये आर्किटेक्चर आपने मूवीज या फिल्म्स में देखा होगा, ये लद्दाखी तिब्बतन आर्किटेक्चर है। यहाँ का आर्किटेक्चर अलग है, पिलर्स ज़्यादा यूज होते हैं। देखो लकड़ी के खम्बे बहुत इस्तेमाल हो चुका है इसमें। यहाँ पे ट्रीज येलो ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑटम आ चुका है ना यहाँ पे, जल्दी यहाँ पे ऑटम जल्दी आता है। अब हो गया, चलो मेन जो चीज़ें देख ली, चलो अब नीचे चलते हैं। ये थी पूरी मॉनेस्ट्री, इसमें तीन चीज़ें मिलती है आपको, म्यूजियम, बुद्धा टेम्पल और मेन टेम्पल। ले पैलेस। शांति स्तूपा भी रह गया, अभी ले पैलेस भी रह गया, दो चीज़ें रह गई। तो भाई ये मैंने स्पेशली रुकवाया, और ये पुल बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो, ये इसमें फ्लैग्स लगे हुए हैं क्योंकि, और बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और मैंने ये ऐसे पुल बहुत सारी मूवीज़ में देखे हैं। नीचे रिवर बह रही है, इंडस रिवर है, ये बहुत पुरानी है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम की इंडस रिवर है ये। और ये देखो फ्लैग्स लगे हुए हैं, और इधर मैं बना हुआ एक रील, और जो रील होगी वो आप इंस्टा पे चेक करना, ठीक है? वो देखो, वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ट्रक के पीछे। उसके तो बाल, आंखें भी देख रहे हैं, इतने बाल है उसके। ले पैलेस आ गए बॉयज, वो है ले पैलेस। चलो भाई उतरे, पकड़ो जैकेट अपनी। विट जी ले देख रहा है भाई पूरा, बहुत ऊंचाई पे खड़े अभी। चलो भाई, ये आर्किटेक्चर देखो कैसा मिट्टी का बना हुआ है, इतना लंबा। ये देखो भाई, और वो है ले पैलेस। चलते आओ ले पैलेस, और पहले तो मैं ये दिखाता हूँ ले सिटी, अभी ऊपर जाके और दिखाता हूँ। चलते ऊपर पूरा, वो रहा रास्ता, ये है ले पैलेस के लिए रास्ता। तुम जा रहे हो ना ले पैलेस? चलिए आइए। चलो, बहुत ऊंचाई पे है ना अभी, मजे आ रहे हैं ऊंचाई पे, इतना इतना ऊंचाई देखी कभी नहीं। कल और देखना 17,000 फीट की ऊंचाई, 18,000 फीट की ऊंचाई खारदुंगला पास। अब जाके मेरे होठ सही हुए हैं, थोड़ा होठ सही लग रहा है, जाके मैं खूब सारा लिप बाम लगा रहा हूँ। और वो देखो ऊपर का रास्ता काम कर रहे हैं। चलो, ये मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, मॉन्यूमेंट है ये। अच्छा, पैलेस, एंशिएंट पैलेस ले। ये तो अपने शहर का किला लगा हुआ है। तो भाई अपने शहर के है, सब चिंता मत करो अपने ही है। ये एरिया म्यूजियम वाला है, इधर फोटो है। पर है ये अपने शहर का ही तो है। तो वो था सारे मॉन्यूमेंट जो साइड। ये भाई, ये पूरा ले सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से। देखिए कितने हाउस बने हुए हैं यहाँ पे लोगों के, मिट्टी के ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, इधर मिट्टी वाले हाउसेस। बोई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बोई? कहाँ चला गया देखो, वो इससे बच के जाना पड़ता है भाई। ये देखो भाई क्या है, ये नीचे साइड अंधेरा बहुत हो रहा है ना। देखो भाई ये इतना ऊंचा है, ये क्रॉस सेक्शन इसका लेवल्स 9 लेवल है भाई। और जब भी आना ना सर बचा के आना भाई, मैंने बहुत लग गई सर, बार बार 2-3 बार ठुक गया मेरा सर इससे, क्योंकि झुक के जाना पड़ता है। जैसे ये देखो बाहर का व्यू है, ये क्या ऑक्सीजन नहीं, ऊंचाई पे आ गए सबसे 6 to 9। अब नीचे चलते, चलो चलो भाई सब घूम लिया, आ जाओ मुझे कैफे ना, तो कैफे ना दो उसको, इसकी चढ़ने में हाथ खराब हो गई, चेन भी लगवा ले भाई। वो देखो मून आ गया, अब बिल्कुल बाहर की तरफ आ गए पूरा ले पहले। अब होटल जाएगी क्या? अभी नहीं, होटल अभी नहीं, कैंडी शॉप जाएगी, उसमें आपको
मॉन्यूमेंट्स के वो दे रखे थे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, और व्यूज जो खिड़की होती है ना व्यूज के लिए वो डेक्स दे रखी थी, मतलब ले सिटी का अच्छा व्यू दिखे। काट ना ले भाई, शांत बहुत है, यहाँ के डॉग्स बहुत अच्छे हैं, भौंकते नहीं है बिल्कुल, शांत डॉग्स है बिल्कुल। घूम के तो आए हैं पर सर भी फड़वा के आए हैं, सर मेरा फूट गया दो बार। अब शांति स्टूपा चलते आ जाओ। मैक्स बॉय क्या पी रहे हो दिखाओ तो। कोल्ड कॉफी कहाँ से ली? वहाँ से, मुझे भी दिला दे। मेरे पास पैसा नहीं है। है मेरे पास पैसा है, चल। बीस कितने का है? मैंने नहीं माना कितने का लिया है। कितने का है? 35 का। अबे तूने तो पी लिया, मुझे भी तो दिलवाए, चल चल ना आ जा, तू मुझे दिलवाए जाएगा। कहाँ से लिया है? कोकोनट भी है, वनीला भी है। अभी ये दिला। मैंगो लेगा? मैंगो नहीं, मैंगो नहीं है। अभी कोल्ड कॉफी दिला देना। चाहिए एक एक पी लिया, पसंद आया तो अच्छा लगा। अब मैं भी पीऊँगा, ये बहुत शौक से पी रहा था। क्या था? केविन्स का कोल्ड कॉफी। आधी दे, नहीं आधी दे, आधी मंच दे। अबे क्या कर रहा है? खुद ही फट जाएगा ये तो। क्या हाल हो गया इसका? तो वो ही चाय पीने हमें आए, और चिप्स देखो यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं। तो वो ही अभी हमने मार्केट से चाय पी थी, ये एक टी स्टॉल था, और ये थोड़ा सा छोटा सा मार्केट एरिया है, तो इसको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट का दीवाना है ये, पूरी चॉकलेट एक ही बार में खा गया। चलो भाई शांति स्तूपा आ गए। शांति स्तूपा के बारे में तुमने जीके की बुक में पढ़ा होगा ना, है ना? हाँ बता। क्या शांति स्तूपा जीके की बुक में पढ़ा होगा? हिस्ट्री जीके की बुक में तो आज ये है। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले उधर थे, ले पैलेस, वो था ले पैलेस, और अब आ गए शांति स्तूपा पे। तो चले शांति स्तूपा पे। क्या फुद्दू, देखो भाई कहाँ से निकल के आया, पहाड़ के बीच में से, और मुझे देख रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। ओ मैक्स बॉय तेरे पास आ रहा है, नहीं सुनते ये। अभी रेस्ट करते थोड़ा, उसके बाद जाएंगे। एक और आ गया तुम्हारा, पालतू है वो, उसका डॉग है भाई, साइकिल से जा रहा है उसके पीछे पीछे। भाई अब सूरज चल रहा है तो ठंड होती जा रही है। ये देखो भाई आर्किटेक्चर इसका, कुछ इसमें वो है म्यूजियम टाइप, पर म्यूजियम तो बहुत देख लिया। शांति स्तूपा चलते हैं सीधा डायरेक्ट। तुम क्या देख रहे हो? मोमोज, थुक्पा। यहाँ पे थुक्पा स्पेशल डिश है लद्दाख की, ले मार्केट में थुक्पा ही खाएंगे। देख लद्दाखी पिजन्स, कबूतर गुड्र लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं अभी देख। तो आज का तुम्हारा ले साइड सीन कैसा रहा? मोनेस्ट्रीज देखी तुमने? मोनेस्ट्रीज देख देख के बोर हो गया ये। पहले तो जब हम कारगिल के रास्ते आ रहे थे, कारगिल और ले के रास्ते, तो हमें तो बहुत मोनेस्ट्रीज दिखी थी जब, तो हम एक्साइटेड हो रहे थे भैया मोनेस्ट्रीज देखेंगे, और जब ले में आए हैं तो मोनेस्ट्रीज देख देख के बोर हो गए। लद्दाख में चढ़ाई करने में हालत ख़राब हो जाती है, जबकि इतनी चढ़ाई है नहीं, इतनी चढ़ाई है नहीं, और इतनी सी चढ़ाई में हालत हो जाती है भाई। चलो भाई फाइनली आ ही गए शांति स्तूपा। रेस्ट करता हूँ भाई, पहले रेस्ट करना ज़रूरी है। तो कैसे लग रहा है शांति स्तूपा पर चढ़ के? समझ नहीं आ रहा कुछ, समझ नहीं आ रहा कुछ। अबे तो उसकी हालत देखो क्या हालत हो गई इसकी। आ रहा इसको मैं पानी पीऊँ कि नीचे जाऊँ? 15 बोतल पी ली तूने? कितनी बोतल पी? 15 क्या, मैंने पानी पिया ही नहीं जब से। पीने या नहीं? कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा जिससे। 6 बोतल ही तो पी ली मैंने। देखो ये है शांति स्तूपा, इसके ऊपर भी जाते हैं, वो है हिमालयास, उस पर स्नो, उस साइड स्नो जमी हुई है। क्या गोली का चल रही है? भाई गोली नहीं, पटाखे है, कई पटाखे चल रहे हैं, तो हमें ऐसे रहना पड़ता है लद्दाख में। देखो इसकी तरह जब भी आप आओ तो डेकेथलॉन कंपनी की जैकेट्स लेके आओ, और विटजी और केचुआ, दो कंपनी होती है डेकेथलॉन में। तो ये है सामने का फ्रंट व्यू, जो कि आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा, गूगल पे अपनी जीके की बुक में देखा होगा। तो ये फोटो होती है शांति स्तूपा व्यू, ले ले का व्यू यहाँ से दिखेगा पूरा आपको। देखो पूरा व्यू दिख रहा है भाई ले का, और वो शायद उस साइड एयरपोर्ट है, और ले पैलेस भी वो है, अभी हम उतरते थोड़ी देर पहले, वो दिख रहा है ले पैलेस। तो ले पैलेस
पैलेस है। हाँ पैलेस थे और नहीं, वो नहीं है पैलेस, तो उस पहाड़ के पीछे। हाँ वो दिख तो रहा है, चिंता करो। और चांद आ गया निकल के, गैलेक्सी का गैलेक्सी। आधे लद्दाख में नहीं छा गया, नहीं सब जगह छा गया, मतलब धूप चली गई अब, बस उस पहाड़ों पे ही है थोड़ा धूप। और जैसी धूप चली गई तो हवा ठंडी हो गई थोड़ी, रात को तो और ठंड हो जाएगी। भाई सूरज उस पहाड़ के पीछे चला गया और इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, यह है पूरा ले, उससे कि पहले ज़्यादा ठंड हो जाए। अब जल्दी से चलते हैं। और हाथ काले हो गए इसके, लद्दाख में आके हाथ काले हो गए सबके। तो मैक्स बॉय एक वो देना चाहता है एडवाइस, क्या जब अगर लोकल साइट सीइंग हो ना, हाँ तो चप्पल पहन के आओ। हाँ तो जब भी लोकल साइट सीइंग हो ना आपकी, तो आप स्लीपर्स पहन के आओ, क्योंकि हर जगह आपको शूज उतारने पड़ने में दिक्कत होगी। और वहाँ पे छूट रहे हैं पटाखे, पटाखे छूट रहे उस साइड। तू कैसे उतर रहा है ये, ये कौन सा शैल उतरने का? अबे इसको अभी प्यारा है, रहने दे। लद्दाख में आपको ड्राई टॉयलेट्स दिखते हैं, ये है ड्राई टॉयलेट, इसमें कुछ है भी नहीं, देखो ड्राई है बिल्कुल। एक होल बना होगा बीच में और मिट्टी रहती है उसमें। ड्राई टॉयलेट्स की वजह ये है क्योंकि जो भी वो होती है ना सीट्स, उसका पानी फ्रोज ना होए, तो ड्राई टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं। और भाई 8 बजे ही शांति स्तूपा बंद हो जाता है, 8 बजे के बाद एंट्री नहीं होती। ये डॉगी लेके जाऊँगा मैं आगरा इसको, भाई तो यहाँ के डॉग्स बहुत सीधे गाइस, बहुत सीधे। आओ भाई बैठो, चलो अब शायद सब हो चुका है हमारा, अब कुछ बचा नहीं है, हटो चलो। अब तो कुछ है क्या, अब भी है? अभी कुछ नहीं है, अब बस हो गया। चलो आज के लिए, आज के लिए हो गया। हाँ आज के लिए हो गया, कल सुबह 9:30 बजे आपसे मिलेंगे फिर से। नूबरा जाएंगे तो शायद थार दुंगला पड़ेगा रास्ते में। वो देखो भाई वो चोटी दिख रही है टॉप की, उस पर चढ़ेंगे, 18,000 फीट की ऊंचाई है थार दुंगला। चलो भाई फाइनली होटल आ गया, पीछे का सामान निकाल लूं। आ जाओ गाइस, आ जाओ बॉयज, चलो बॉयज, चलो बॉयज जल्दी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होएंगे। देखो ये है लद्दाखी बिल्ली जो कि सो रही है अभी, आंखें बंद करके सो रही है, देखो देख रही। चलो उस प्यारी को सोने देते हैं, हम चलते हैं अपने, प्यारी है बहुत। ये देखो फ्लोर्स, भाई लाइट वाइट्स तो जलाओ कुछ। भाई को रील्स वील्स डालने के बाद अब मैं आया हूँ डिनर करने। हाँ तो डिनर टाइम हो गया है और अभी डांस कर रहा डांस तो नहीं आ रहा, खुशी लग रही है, खुजा रहा था क्या डांस। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। वो तो देखो चांद, देखो कितना चमक रहा है। चल चल चलो चलो, तो हटो, हट ही नहीं रहा। मैं तो गर्म, क्या तू क्या, मैं तो गर्म पानी से नहा के आया हूं। ये तो भाई गर्म पानी से नहा के आया है रात को ही, और कोई पीछे खड़ा हुआ था खिड़की से झांक रहा था मेरे, और पता नहीं कौन था वो खिड़की खिड़की से झांक रहा था। लाइट गई क्या हुआ, फ्लैश चालू कर जल्दी भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया ले में, ये क्या हो गया भाई, पहली बार देखा है लाइट एकदम से गई, अंधेरा देखो कितना हो गया। हाँ और अंधेरा भाई एकदम से ऐसा हुआ, ब्लैकआउट बिल्कुल ही। डाल लो आ जाओ राइस लो पहले तुम जल्दी से। तो भाई ये है सैलेड, ये खाएगा आज, निकालो जल्दी। मैक्स भाई खाओ मटन, मटन खाओगे ना, बंद कर दिया। हाँ चलो स्टोरी, और स्टोरी बनाई बताई, मतलब रिलीजन की, अपने रिलीजन बुद्धिज्म कर रहा है, बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बताया। स्टोरी क्या है, रिलीजन मतलब रीबर्थ पे बेस्ड होता है ये रिलीजन। एंड खाना खा के मजे आ गए, अच्छा। वो मटन नहीं था, वो चिकन था भाई। वो चिकन के साथ चावल मिलाने बहुत बढ़िया, ये कह रहा मटन है वो चिकन था।